और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रांची के पंडरा में एक व्यवसायी पर हमला किया गया। पंडरा ओपी के हेहल में एक झाड़ू फैक्ट्री में झाड़ू खरीदने के दौरान दुकानदार के साथ विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक झाड़ू के दाम को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पंडरा ओपी में केस दर्ज कराया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक डेढ़ बजे के करीब में मेरे फैक्ट्री में चार गुंडे लोग आए और उन्होंने झाड़ू खरीदा, जो कि सीसीटीवी साक्ष्य है हमारे पास, उसकी प्रूफ है कि चार लोग आए और मेरे स्टाफ से वो झाड़ू खरीदने के लिए बोले। झाड़ू खरीदने के क्रम में स्टाफ बोला कि ये ऑर्डर का माल बन रहा है, भैया जी इधर से ले लीजिए। उन्होंने वो नहीं लेकर के फिर अंदर गोडाउन की तरफ घुसने लगे, तो स्टाफ बोला कि भैया जी गोडाउन में मेन गोडाउन नहीं जाइए, तो इधर से ले लीजिए। और फिर उन्होंने वापस आकर के मेरे स्टाफ को पीटा, और जो कि सीसीटीवी में डायरेक्ट दिख रहा है, हाथ से पूरा लगभग चार पांच तबराक मार दिया। उसके बाद वो कटारी, जो झाड़ू बनाने वाली कटारी रहती है, उसको उठा करके और डायरेक्ट बोला कि जाने मार देंगे, ही गा देंगे का। पंडरा ओपी क्षेत्र में एक मारपीट की घटना जो है वो प्रतिवेदित हुई है, जिसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट की बातें उभर करके आई है। फिलहाल हम लोग दोनों कांडों में हम लोग ने कांड दर्ज करके हम लोग जो है इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, और रांची पुलिस निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग एक डेढ़ बजे के करीब और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए झाड़ू खरीदने को लेकर ये विवाद शुरू होता है, दो पक्षों के बीच मारपीट होती है, और अब ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, तब ये जाकर मामला प्रकाश में आया और अब इन दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है इनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए सुष्मिता, हम और आप हमेशा कहीं ना कहीं खरीदारी करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर किसी बात को लेकर के विवाद होता है दुकानदार के साथ, तो हम उस दुकान से सामान की खरीदारी नहीं करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस केस में हुआ यह है कि दुकानदार अपने गोदाम पर मौजूद था, झाड़ू के थोक विक्रेता का रूप में है, और उसके पास कुछ लोग झाड़ू खरीदने के नाम पर पहुंचते हैं और ना सिर्फ उनको उनके साथ विवाद खड़ा हो जाता है और फिर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह का जो कार्रवाई जो है वो पंडरा ओपी की पुलिस कर रही है, मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में समझना होगा कि जो पीड़ित दुकानदार है उनका साफ तौर से कहना कि वो अपनी व्यवसाय चला रहे थे, और ऐसे में उनके व्यवसाय चलाने के दौरान कई लोग उसके दुकान में आते हैं, रेट जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे होने की वजह से नहीं दे पाते हैं सामान, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उसके दुकान में घुस करके कोई मारपीट करे, उनके साथ भद्र तरीके से गाली गलौज किया जा सके, रंगदारी और सहित अन्य तरह की धाराओं पर मामला दर्ज कराया गया। तो ये जिस तरह का ये विवाद है, कहीं ना कहीं जो लोग पहुंचे थे शायद उसके पीछे की मंशा कुछ और थी, सामान की खरीदारी करना नहीं था, और शायद यही वजह है कि बातें बात में दोनों ही पक्ष जो है आपस में उलझ गए और फिर मारपीट की घटना को शुरू हो गया। हालांकि मारपीट के दौरान दुकानदार जो है वह गंभीर रूप से घायल हो गया, बाद में उसे स्थानीय हॉस्पिटल भेजा गया, जहां स्थिति जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में है, गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अलग शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित पक्ष के जो दुकानदार हैं उनका आरोप है कि जो लोग उनके पास पहुंचे थे, ना सिर्फ वो, उनके साथ अन्य कई लोग मौजूद थे, सभी लोगों ने उन पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि उनके दुकानदार के और उनके दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में टायर व्यवसाय की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है, उनकी हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है। तो ऐसे में पंडरा बाजार में कार्य करने वाले जो दुकानदार है, पंडरा इलाके में काम करने वाले जो दुकानदार है, उस पर भी अगर हमला होता है तो एक व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर के एक
जो रोष है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए ताकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो है अपने आसानी से अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को चला सके। हालांकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जो दुकानदार है उसके स्टाफ है उनके साथ मारपीट की गई और अलग तरह का व्यवहार किया गया। लेकिन अगर किसी बात को लेकर विवाद था, आपको अगर रेट पसंद नहीं आ रहे थे या आपको किसी तरह की दुकानदार का बिहेवियर अगर पसंद नहीं आ रहा था, आप दुकान छोड़ करके कहीं और जाकर के दूसरे दुकान से भी खरीदारी की जा सकती थी। ऐसे में यह विवाद जो है वो जांच का विषय भी बन चुका है कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है, उसकी जांच जो है वो पंडरा ओपी की पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन जो तस्वीर है, जो सीसीटीवी दिखा रही है कि कैसे कुछ लोग दुकान के पास पहुंचते हैं, पहले खरीदारी करने के लिए पूरे दुकान की चहलकदमी करते हैं और फिर कुछ देर के बाद यह विवाद जो है वो पूरा खड़ा हो जाता है और फिर लाठी डंडे और सहित मारपीट की घटना को अंजाम दे जाता है जिसमें दुकानदार घायल हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर पंडरा ओपी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी है उसको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि व्यवसायियों का इस पूरी घटना को लेकर के लगातार आक्रोश भी है देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आप जो जांच करना चाह रही है पुलिस कि क्या दोनों के बीच में पूर्व से चले आ रहे विवाद की वजह से ये पूरी जो मारपीट की घटना हुई है या फिर कोई अन्य वजह भी है। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो पंडरा ओपी के पुलिस कर रही है। सिटी एसपी ने भी पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नजर है। ऐसे में जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी होंगे मारपीट की घटना में शामिल, उधर सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जांच करते हुए करते हुए कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला पेश आया है, मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और अब ये जांच आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही कई अपराधी ये सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।